हाँ जी गाइस, तो सुबह हो गई है। रात इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ही रुके थे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। रात को तो आपको दिखा नहीं सके हम। ये चील के दरख्त लगे हैं और यहाँ पर इसने नर्सरी प्लांटेशन की हुई है। चील की, बांस की, काफ़ी स्पीशीज़ हैं फॉरेस्ट की, ट्रीज़ की। तो रात्रि की रहा माहौल। हाँ जी, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है यहाँ का। कैसा तो करता नहीं है जाने का, पर अब क्या करें, जाना निकाला नहीं ना हमने, अब जाना ही पड़ेगा। तो कोई नहीं, दोबारा फिर आएंगे, फिर माहौल बताएंगे आपको कैसा ठीक है। पहली बार इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ मैं सुबह से। ठीक है, ये मैं इधर माहौल दिखाओ आप। ओके, देखो बहुत बढ़िया वेदर है। ये फ्रेश एयर, फ्रेश एयर, पीसफुल एनवायरनमेंट, थोड़े थोड़े बादल भी आ रहे हैं, लगता है हमें रास्ते में मिल भी सकते हैं, देखेंगे। मास्टर को पूछो। मास्टर जी, आप बताएं कुछ चाय का आनंद लेते हुए सुबह सुबह। बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। वो पक्षी कौन सा आ रहा है वो देखो, इसको ना यहाँ पर फनेर बोलते हैं। फनेर क्या है? फनेर क्या पूछ रहे हो आप? वो खैर के दरख्त बारे ही पूछ रहे थे कि अच्छा कितने में क्विंटल जाता है ये। ठीक है गाइस, ये खैर की नर्सरी उन्होंने प्लांट की हुई है। और कितने क्विंटल है ये, कितने रुपीस क्विंटल है ये? 8-10 हज़ार रुपये क्विंटल। 8-10 हज़ार रुपये खैर का? हाँ जी, प्लांट है जो वो पर क्विंटल है। बढ़िया है, ढाई क्विंटल से ऊपर निकलता है। ढाई क्विंटल से ऊपर निकलता है, लेकिन निकलता है 8-10 कितने साल बाद? 25-30 साल ले जाता है ये। 8-10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल निकलने के लिए। ये खैर की नर्सरी तैयार हो रही है। और ये रहा चील, और ये बैम्बू, शीशम, ये देखा। और ये देखो हमारे रेस्ट हाउस का व्यू, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस डेरियाँ। वो हमारे दोस्त आपस में बातें करते हुए। यहाँ पर एक छोटी सी पार्क बनाई हुई है इस साइड, उधर साइड भी बैठने को है, ऊपर भी बालकनी है बैठने को। यहाँ पर 2 रूम सेट है, एक बालकनी है। और ये बेसिकली है डेरियाँ कुकानेट, जो खड्डा है वहाँ पर ये है इसकी लोकेशन। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की मैं बुकिंग की बात करूं तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बुकिंग जो होती है वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉरेस्ट ऑफिस होता है, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस होते हैं वहां पर ही होती है। वहां पर जाकर आप सुपरिटेंडेंट से मिल सकते हैं, उनसे 1-2 दिन पहले अगर अवेलेबिलिटी होती है रेस्ट हाउस की तो पूछ सकते हैं। हम तो डिपार्टमेंट से आए थे तो हमारी तो बुकिंग सीधे ही हो गई थी रेंज अफसर से बात करके, बट किसी सिविल पर्सन को आना है तो उसको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस में बुकिंग करा कर ही आना पड़ेगा। काफ़ी नेचर का आनंद मानना है, पीसफुल जगह है। और जो देखो आपको पीछे आवाज़ें भी सुन रही होंगी, कभी कोयल की आ रही है, कभी किसी पक्षी की आ रही है। बहुत ही अच्छा व्यू, सुहाना। ठीक है फ्रेंड्स, निकलते हैं अब। कुकानेट की आपको रिवर स्ट्रीम दिखाएंगे। चले फिर। चलो भाई, चलो चलिए। तो फ्रेंड्स, रात हमारी बढ़िया कटी यहाँ पर, बहुत अच्छी थी। अच्छी नींद आ गई जंगलों में, बहुत अच्छी। माशाल्लाह यार, न्यू एडवेंचर दिखा दो, नेटवर्क भी दिखा दूंगा। जीरो नेटवर्क। चलो आज हम फिर हम जाएंगे अब कुकानेट की रिवर स्ट्रीम से होकर फिर हम निकलेंगे होशियारपुर को। चलो चलते हैं। सुबह सुबह 8 बजे निकल गए हैं हम न्यू एडवेंचर ऑफ रोडिंग के लिए। सुबह 8 बजे निकलते हुए और रात को आपको ये सुरंग दिखाई थी, ये देखो जो बोल रहे थे ना, ऊँटों वाली सुरंग है, ऊँटों के लिए बनाई है, मुसलमानों ने बनाई है। ये आपको दिखाता हूँ अभी मैं, ये देखो बहुत अंधेरा है। हाँ जी,
नींद आ रही है ना, सोए नहीं पूरे। क्यों अभी तो बोल रहे थे पीसफुल एनवायरनमेंट था। सुबह सुबह है ना, रात को नहीं। और आप देख सकते हो कि देखो कैसे पानी ने अपना खुद ही रास्ता बनाया हुआ है, कभी लेफ्ट को जाता है कभी राइट को जाता है, और ये काफी सालों से चला रहा है। चंद्रप्रीत बता रहा था ये आता रहता था छोटे होते यहाँ पे। क्यों चंद्रप्रीत? हाँ जी, मैं यहाँ से ही हूँ। यहाँ से ही हो आप? कैसे मतलब? तो मेरे मम्मी जो है वो यहाँ से पहाड़ी। अच्छा ठीक है, थे वो मतलब चंद्रप्रीत के इधर नानके हैं। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं हम। ठीक है, पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं एक तरह से। ठीक है हाँ, क्योंकि पानी डाउन स्ट्रीम ही आता है ना। नहीं अब उधर से आते तो अब स्ट्रीम नहीं जाना था हमें। नहीं पानी तो डाउन स्ट्रीम ही जा रहा है, इधर को जा रहा है ना पानी, तो हम उतर रहे हैं यानी पहाड़ी से। पानी के साथ साथ ही हम चल रहे हैं, पानी के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। ये देखिए ना कितना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आके। बिल्कुल, कि सभी को घूमने आना चाहिए। हाँ। अपने काम काज को थोड़ा या छोड़ के। ठीक है, अपने स्ट्रेस को साइड पे रखे। ठीक है, और शांति देखो बाहर जाकर लगता है जैसे पानी की आवाज से। अभी इधर आए हुए हैं। हाँ। पीछे का कुछ नहीं याद कि यहाँ अभी कौन सा काम करने वाला। एक सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क ना वजह से होने की वजह से और अच्छा है।